तरफ से दरअसल सवाल तिरुपति को लेकर किया गया था। जिस तरह से तिरुपति तिरुमला में प्रसाद, अशुद्ध प्रसाद भगवान के भोग में लगाया गया, उसको लेकर अब उन्होंने नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। तिरुपति का लड्डू प्रसाद विवाद पर सियासत अब तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर सवाल उठा दिए गए। प्रसाद पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रसाद की गुणवत्ता पर डिम्पल ने प्रश्न खड़े कर दिए, सवाल उठा दिए। वृंदावन में सही क्वालिटी का खोआ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कह रही हैं डिम्पल यादव। उन्होंने कहा कि प्रसाद की जांच की जाए, जांच की मांग उनकी तरफ से उठा दी गई। तो बात तो की जा रही थी यहाँ पर तिरुपति की, क्योंकि तिरुपति में यह घटना सामने आई और उसको लेकर प्रश्न पूछा गया था कि एक तरह से आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदुओं की जो विश्वास है उसके साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ डिम्पल यादव ने नई बात कह दी, उन्होंने कहा कि तिरुपति तो छोड़िए, मथुरा वृंदावन में जो पेड़े मिल रहे हैं उनमें मिलावट हो रही है। सुनिए सर, वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पर काम किया जाए। तो सुना आपने डिम्पल यादव के इस बयान के बाद अब राधा रानी और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो पहुंचते हैं मथुरा वृंदावन, वो अब असमंजस में हैं, वो भ्रम में पड़ गए हैं। लेकिन योगी सरकार इसको लेकर भी सतर्क है, इसको लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में जगन सरकार के दौरान तिरुपति के प्रसाद को अशुद्ध कर दिया गया, करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया गया। प्रसाद में मिलावट की खबर सुनने के बाद जहां सनातनी भक्त आहत है, वहीं कई सियासी दल अपने फायदे के लिए भक्तों में भ्रम फैलाने की राजनीति भी शुरू कर चुके हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिम्पल यादव अब मथुरा और वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर सवाल खड़ा कर रही है। मीडिया ने डिम्पल यादव से तिरुपति में अशुद्ध प्रसाद पर सवाल किया था, लेकिन सांसद महोदया लड्डू पर बयान देते देते मथुरा और वृंदावन में मिल रहे पेड़ों को बीच में ले आई और वहां मिलावटी खोवा मिलने का आरोप लगा दिया। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहां पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पर काम किया जाए। डिम्पल यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर कान्हा और राधा रानी के भक्त असमंजस में पड़ गए हैं। भक्तों में भ्रम फैलने लगा है कि क्या बाके बिहारी का प्रसाद भी शुद्ध नहीं रहा। ऐसे में प्रसाद पर सवाल खड़े करने वाली डिम्पल यादव को बताना चाहिए कि मथुरा में नकली खोआ मिलने की जानकारी उन्हें किसने दी, मथुरा और वृंदावन में मिलावटी प्रसाद का आधार क्या है। नकली खोआ मिल रहा है तो क्या डिम्पल यादव ने इसकी शिकायत कहीं की? अब तक कितनी जगहों पर मिलावटी खोआ मिला? क्या सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? डिम्पल यादव भले ही ऐसे बयानों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन जब बात धर्म और सनातन की आती है तो योगी सरकार फौरन एक्शन लेती है। तिरुपति में हुए महापाप के बाद यूपी में खाद्य विभाग एक्टिव है। मथुरा में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों पर से प्रसाद के कुल 13 नमूने इकट्ठा किए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि यहाँ बेचे जा रहे प्रसाद में किसी प्रकार की कोई मिलावट है या नहीं। साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि डिम्पल यादव के दावे में कितनी सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा लखनऊ की आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मंदिर प्रांगण की तस्वीर है और उसमें पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर में क्या लिखा गया है कि बाहरी प्रसाद नहीं अलाउड है, बैन लगा दिया गया है। घर से प्रसाद लाए भक्त, यह अनुरोध भक्तों से किया गया है, क्योंकि जो ईश्वर हैं, जो प्रभु हैं, उन्हें शुद्ध प्रसाद ही चढ़े, ये अब सुनिश्चित करना चाहते हैं तमाम मंदिर। और यही वजह है कि लखनऊ से ये तस्वीर सामने आई है। बाहरी प्रसाद यहाँ ना चढ़ाएं, ऐसा अनुरोध किया गया। और अनुरोध इसलिए करना पड़ा है क्योंकि इस तरह की तस्वीर अब तिरुपति से सामने आने के बाद सभी के मन में शक शुबा आ गया है कि आखिर ये तस्वीरें कैसे ऐसे सामने आ रही हैं, कहाँ की ये तस्वीर थी। चलिए वो जानकारी भी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि कहाँ इस पूरी घटना को लेकर कहाँ लोगों के मन में अब शंका इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बाहरी प्रसाद पर बैन लगा दिया। चलिए जल्दी से जानकारी आपको देते हैं। ये लखनऊ का देखिए मनकामेश्वर मंदिर है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की। और यहाँ पर बाजार से खरीदे गए प्रसाद पर
बैन लगा दिया गया है, पूरी तरह से बैन लगाया गया है। भक्तों से अनुरोध किया गया, अपील की गई है कि आप घर से बना हुआ प्रसाद ही लाएं और प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं। सूखा मेवा ही चढ़ाने के लिए पुजारी को दें, यानी जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं वो प्योर होते हैं, उन्हें लाएं चढ़ाएं। ये व्यवस्था आज सुबह से लागू की गई है। क्यों लागू की गई है? क्योंकि तिरुपति में इस तरह का मामला सामने आ गया। आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि प्रभु को जो भी भोग चढ़ाया जाए वो बिल्कुल भी अशुद्ध ना हो, पवित्र हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। इस बीच हमने श्रद्धालुओं से भी बात करके समझने की कोशिश की कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस फैसले की नौबत क्यों आई, महंत क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिले हुए मिलावटी प्रसाद के मामले को लेकर आज हम लोगों ने एक नई पहल करी है कि चूंकि मुझे लगता है कि हर खाद्य सामग्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मिलावट अवश्य होती है और इस भ्रष्टाचार को निरंतर ही हम लोग जो कम करने की कोशिश करते हैं वो बढ़ता ही रहता है। आज एक अच्छी पहल हम लोगों ने ये करी है कि कोशिश करिए, अब देखिए कितना पालन ये लोग कर पाते हैं, गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा। और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु, उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं, उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है। जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जाँच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। हर आदमी चाहता है कि हमको अच्छे से अच्छा भोग चढ़ाएं, अच्छे से अच्छा भगवान को खुश करने के लिए सारे जतनों प्रयास करता है कि हाँ अपनी उसकी अपनी एक इच्छाएं जुड़ी होती हैं कि अपने परिवार की इच्छाएं जुड़ी होती हैं कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छे से अच्छी मिठाई लेकर जाएं, अच्छे से अच्छा भोग लेकर जाएं भगवान के लिए। और उसमें अगर वो नहीं जा पाता तो फिर जाहिर सी बात है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप तिरुपति तिरुमला की देख रहे हैं। जी हाँ, तिरुपति बालाजी महाराज का जो पूरा प्रांगण है जिसे अशुद्ध कर दिया गया था उसको लेकर अब शुद्धिकरण की तैयारी की जा रही है। आज सुबह ये शुद्धिकरण की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा अनुष्ठान, उसे मन से किया गया है और क्षमा मांगी गई है तिरुपति बालाजी महाराज से, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हुई है। हमारे आपके यहाँ जब प्रसाद चढ़ाया जाता है तो एक एक चीज शुद्ध हो इस बात का ख्याल रखा जाता है और जहाँ गलती होती है हम जो भी चढ़ाते हैं भगवान को तो हम कहते हैं कि हम क्षमा प्रार्थी अगर कोई गलती हुई हो, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हुई है। ऐसे में महाशुद्धि के लिए महाअनुष्ठान किया गया है। क्या कुछ किया गया आपको हम बता देते हैं। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी की मिलावट की खबर हमने आपको बताई थी और भगवान वेंकटेश्वर को ये भोग लगाया था गया था और देखिए दिन में 3 बार भोग लगाया जाता था और ऐसे में अब शुद्धिकरण के लिए ये विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। मंदिर का पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ है। यह अनुष्ठान TTD यानी कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड की तरफ से किया गया है, प्राश्चित के लिए किया गया है। अनुष्ठान का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है। अनुष्ठान के लिए महाशांति यज्ञ का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि शुद्धिकरण को लेकर ये पूरी व्यवस्था की जाए जिस तरह की घटना सामने आई थी। और ऐसे में आपको बताएं कि शुद्धता के लिए ये फैसला लिया गया, ये शुद्धिकरण यज्ञ यहाँ पर किया गया है। हमारी सहयोगी अनेरी ने अंदर किस तरह से पूरे प्रांगण का शुद्धिकरण किया जा रहा है, ये महाअनुष्ठान किया जा रहा है, कितना समय लगेगा, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। रिपोर्ट जो है वो साफ तरह से बताती है कि फिश ऑयल और बीफ टैलो का प्रेजेंस था और उसी कारण अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तिरुमला में किस तरह से महाशांति होमम हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे पुजारी जो यहाँ के मंदिर के है वो यहाँ पे शांति होमम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये शांति होमम शुरू हो चुका है और अब ये जो पंचामृत जो होता है होमम के बाद वो सारी जगह, सारे मंदिर के द्वारों पे और साथ ही साथ जहाँ पे लड्डू बनते हैं और जहाँ प्रसाद बनता है वहाँ पे ये पंचामृत जो है वो छिड़का जाएगा। और